पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क हादसों में लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आज फिर एक बार गुलबर्गा शहर में हुमनाबाद रोड कपनौरा ब्रिज के करीब NWKRTC गवर्नमेंट बस और बाइक के बीच दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार की स्पॉट पर मौत हुई है। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने डेड बॉडी की तलाशी ली, पर कोई डॉक्यूमेंट हाथ नहीं लगा। अब तक इस शख्स की पहचान नहीं हुई और एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज ट्रैफिक पुलिस एक्सीडेंट की वजह और दीगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तरफ गुलबर्गा शहर में सड़कें खराब हैं और दूसरी तरफ रैश ड्राइविंग की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सड़कें ठीक करने की जरूरत है और साथ ही बाइक और कार के अलावा खासकर बस, लॉरी और दीगर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों को थोड़ा कंट्रोल में चलाएं। अक्सर फुल स्पीड में ओवरटेक करने के चक्कर में ज्यादातर एक्सीडेंट्स की खबरें सामने आ रही हैं। भाई अभी हम लोग ये कपनूर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके थोड़ा आगे ब्रिज पार करते हुमनाबाद रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ। गुमनाम लाश है, उनके मोबाइल्स जेबा चेक करने पे एक मोबाइल निकला, आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है बंदे के पास। टू व्हीलर एंड हमारे गवर्नमेंट बस से एक्सीडेंट हुआ है अभी जस्ट नाउ। आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है, अगर कोई किसी का कोई मिसिंग पर्सन है किसी के घर में या किसी के दोस्त में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते, जाके जो ये कर सकते। अभी इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे, डेथ हो चुका है इनका, तो अननोन बॉडी है, अननोन पर्सन है।